तो गाइस फाइनली आ चुकी है सामने ट्रेन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज रात को हम निकलने वाले हैं पंजाब। पंजाब कौन जा रहा है? सिर्फ मैं और दीपू जा रहे हैं और सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। तो भाई आज रात को निकलेंगे। फिलहाल भाई अभी बीएड वगैरह भी यार थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि शिमला वगैरह होकर आया है तो काफी दिनों से बीएड वगैरह सेट नहीं करवाई। तो पहले चलते हैं, बाल वाल कटवाते हैं, फिर उसके बाद और भी एक्टिविटीज करेंगे। और गाइस आ चुकी है यहाँ पर चाय, और चाय के साथ भाभी जी ने मट्ठी भी दी है और साथ में शक्कर पारे भी दिए। काके ये क्या कर रहे हो? क्यूब सॉल्व कर रहे हो? ये देखो मैं क्या लेकर आया। खाओगे? ये लो खा लो भाई, इसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है यार। ये देखो कितना खुशी से खाता भाई ये। खुशी आ गई चेहरे पे। और फिलहाल भाई यहाँ पर आज मशीन फिर से लगी हुई है तो कपड़े धुल रहे हैं भाई यहाँ पर अभी। और गाइस अभी जस्ट मैं बाहर निकला हूँ बाल कटवाने। बाकी यार इस बंदे की किस्मत बहुत अच्छी है, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ये जरूर मिलता भाई साहब। क्या बात, वही देख रहा हूँ भाई मैं जब भी बाहर, मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब भी मैं बाहर निकलता हूँ ना आप मेरा वेट कर रहे होते हो। हाँ आज वाला व्लॉग डाल दिया मैंने अभी, देखना घर जाके। तो भाई तनिष भाई है यहाँ पर और ये हमें मिल चुके। ओ सॉरी कृष्णा यार, मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ यार। चलो ठीक है, बाय बाय। और गाइस मेरे पीछे आ रहा है एक बच्चा, चेक करते कि कितना कैमरा फ्रेंडली है। हेलो कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ जी। अच्छा वो मैंने ना कुछ पूछना था, ये आपके स्कूल की ड्रेस है? हाँ, संजीवनी पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा यार कितनी बढ़िया लग रही है यार। मतलब ना हमारे टाइम पे तो भाई ड्रेस भी अलग सी आती थी, इनके टाइम पे देखो भाई साहब पूरी ट्रैक सूट वाली है ना। जनरेशन बदल गई ना। हाँ जनरेशन गैप है भाई साहब, मैं अभी वही देख रहा हूँ। बाकी यार देखो मैंने भी आज यही पहना हुआ है। ये तो यार थोड़ा धोखा सा फील हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है बस। हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल की ड्रेस में घूम रहा हूँ इनको देख कर। चलो फिर स्कूल ही। क्या बात है, क्या बात है। ओके सब्सक्राइब टू करण शक्ति व्लॉग्स। तो फिलहाल गाइस पहुंच चुके हैं हम सलून की दुकान पर, अब फटाफट चल के बाल कटवाते हैं यार। तो गाइस भैया ने काट दिए यहाँ पर बाल, रख कर रहे हैं भाई सेट बढ़िया वाले। ओके भाई ओके ओके। सो गाइस फिलहाल बाल वगैरह तो कटवा लिए भाई यहाँ से, अब फटाफट घर पर चलते हैं यार। और यहाँ पर देखो गाइस काका भी नहा रहा है भाई साहब। क्या ओए काके मजा आ रहा है, भाभी खुश शैम्पू लगा रहा है। और गाइस इसको देखो बाल्टी के अंदर बैठना कितना पसंद है भाई साहब, खुद ही बैठ जाता बाल्टी के अंदर आके। क्या बात है भाई, क्या बात है लड़के। सो गाइस अभी घर आने के बाद मैं भी नहा धो चुका हूँ यार, और अब काफी ज्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है, बाल बहुत चुभते हैं भाई बाल कटवाने के बाद। फिलहाल भाई जैसा आप जानते हो कि हमें जाना है आज रात को पंजाब, तो उसके लिए भाई साहब अभी कपड़े वगैरह मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या लेकर जाऊँ, इसलिए फिलहाल भाई मैंने यहाँ पर एक तो ये जैकेट निकाल लिया है, ये तो मतलब परमानेंट है क्योंकि एक दिन के लिए जाना है तो कल पहननी है, तो कल के हिसाब से जैकेट तो ठीक है। वहां पर अगर ठंड भी होगी तो भाई अंदर से फर वाली है तो भाई ठंड लगेगी नहीं इतनी। इसके अलावा भाई देखो मेरे पास एक ऑप्शन हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो स्वेट शर्ट भी पहन सकता हूँ मैं ये वाली, तो यहाँ तो स्वेट शर्ट पहन लूंगा फिर जैकेट नहीं यूज हो पाएगी, तो ये यहाँ तो ये स्वेट शर्ट पहन लूंगा मैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो मैं पहन चुका हूँ काफी बार, अब ना ये पहनते हैं मैंने एक बार भी पहन कर नहीं देखी। इसके अलावा इसके नीचे क्या पहनूं यार, मैं इस चीज में भी कंफ्यूज हो रहा था, मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो रहा है। बट फिर भी भाई मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक ये वाला, यहाँ तो मैं इसके नीचे शर्ट पहन लेता हूँ बट यार इसका और इसका कलर मैच कर जाएगा, मेरे मन में बस ये क्वेश्चन चल रहा है। इसके अलावा ये मेरी एक पर्पल कलर की टी शर्ट है, और ये इसके अलावा ये स्वेट शर्ट कम टी शर्ट है भाई, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन तीनों में से क्या पहनूं इस जैकेट के नीचे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। तो अभी चेक करेंगे और देखते हैं भाई क्या पहनेंगे। तो गाइस जो पर्पल वाली हमारी शर्ट है वो भाई इसके नीचे कुछ इस तरीके की लगेगी, तो यहाँ तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा एक हमारा, और जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है। शर्ट प्रेस नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस हो जाएगी। बट ये तो यार बिल्कुल पसंद नहीं आ रही क्योंकि ऊपर भी डार्क कलर है फिर नीचे भी डार्क कलर हो गया, तो ये तो भाई साइड हो गया, इसमें तो मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। और जो थर्ड कॉम्बिनेशन बन रहा है गाइस वो ये वाला बन रहा है, तो एक ये वाला हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया। बाकी ठीक है ये भी ओके ओके लग रहा है, बट ना ऊपर वाली जैकेट जो है वो अलग है थोड़ी टाइप की, और जो नीचे वाला कलर है वो अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ यार पर्पल वाली शर्ट ही पहन लूँ इसके नीचे। और गाइस एक ऑप्शन हमारे पास और है वो ये वाला भाई, मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट स्वेटर पहन लूँ सिंपल, नीचे ऊपर नीचे टी शर्ट पहन लो, कोई भी कॉलरलेस टी शर्ट पहन लो, तो ये भी बढ़िया चीज है। सो गाइस फाइनली जो डिसीजन लिया है मैंने वो ये वाला
वाला लिया है कि ये वाली जीन्स पहनेंगे और इसके साथ साथ ये वाली जैकेट पहनेंगे, साथ में ये वाला स्वेटर पहनेंगे, इसके नीचे कोई भी कॉलरलेस टी शर्ट पहन लेंगे। तो पंजाब में इतनी की ठंड है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये फिलहाल मेरे को एक बेस्ट डिसीजन लग रहा है। बाकी यार कुछ भी इसमें चेंज हो सकता है, फिलहाल अभी तो अभी के लिए तो ये वाला डिसीजन मेरे को फाइनल लग रहा है भाई। तो गाइस अब देखो हमारा ग्रंथ भी कितना ज्यादा समझदार हो चुका है। पहले ना गले में अटका लेता था कोई भी चीज को, कोई इतना मर्जी खाता था, अब इसको पता है, हमने बनाना भी दिया है, इसको पता है कितना बाइट लेना है कितना नहीं लेना, तो अपने हिसाब से बहुत खा लेता है ढंग से। और अभी ना मम्मी का मोबाइल भी बज रहा था यहाँ पर, तो भाई साहब ये खुद उठा के ले है मम्मी। हाँ। अभी खुद डाला है, अभी लेके आया, देख लो इसको पता है कि ये दादी मम्मा का मोबाइल है, इतना इसको पता लग गया कि हाँ ये मोबाइल दादी का है। इसने मेरे पास नहीं आया ना ही किसी और के पास गया, डायरेक्ट मम्मी के पास आया कि हाँ ये मम्मी का मोबाइल है। और गाइस अभी लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा तेज भूख, बाहर चलते हैं देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलता है, और इसके साथ साथ भाई दुकान वाले से मस्ती भी करेंगे। और फिलहाल भाई यहाँ पर गली के कॉर्नर में है मोमोस वाला, कैसे हो भाई? बढ़िया, दो रोल कर देना यार। भाई ये बंदा खुद ही बनाता, सारा खुद ही बनाते हो भैया? बढ़िया यार, चलो इनसे रोल वोल खाते हैं यार। सो गाइस भैया पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते हो, तो मैंने इनको बता दिया कि हमारा ना मछली पकड़ने का काम है। तो जैसे कि यहाँ पर जितनी आसपास जितनी भी यहाँ की आसपास की झील है, क्यों भैया? इस सब का ठेका मेरा है। जैसे जब भी एक आधी मछली मिली तो मैं झट से, मेरे को कॉल आ जाता है, मैं पकड़ लेता हूँ उस मछली को। फिर 100 रुपए की बिके, 150-200, मतलब रोज का 200 रुपए मैं कहीं नहीं छोड़ता, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है मछलियों का। तो भाई आसपास की सारी झील का मेरे पास ठेका है, कॉल आ जाता है मेरे को वहाँ पर कि यहाँ पर मछली मिली है भाई पकड़ लो। हेलो, हाँ भाई, कोई नहीं तो मछली को पकड़ ले और बता दियो इसको कि ये मछली हमारी है, हमारे एरिया में, ठीक है? ओके भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। होए 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 होए, क्या बात है भाई, हमारे आ चुके हैं रोल, और यहाँ पास में भैया मोमोज खा रहे हैं। मोमोज कैसे लगे भाई आपको? मजेदार है ना, एकदम मजेदार। एक मैं भी ले लूं गाइस, एक मोमोज मिल चुका है, आप एक रोल ले लो भाई, कोई बात नहीं, मैं एक मोमोज ले लेता हूँ, ठीक है? भाई ने मेरे को एक मोमोज दे दिया, मैंने भाई को बदले में एक रोल दे दिया है। क्या नाम क्या आपका? कनक। कनक, चलो भाई थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू भैया, बाय, थैंक यू। सो गाइस मोमोज खा लिए हैं, बाकी यार फूड ऑफरिंग का भी मजा अलग ही है, बट मुझे लगता है कैमरा को देखकर लोग फूड ऑफर कर देते हैं। किसी दिन पता क्या करेंगे ना, कैमरा को हिडन रखेंगे फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। और गाइस यहाँ पर मिल चुका है गली के अंदर ऋषु, स्केट्स चला रहा है भाई, चला के दिखाना यार वहाँ तक कैसे चलाते हो, एक बार देखो। ओए होए, आ जाओ वापस आ जाओ। ओए होए होए यार, आप तो बहुत बढ़िया चला दो, तेज चलाना थोड़े। ओए होए ओ भाई, ओए 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 तेरी, भाई साहब प्रो है बच्चा ये वाला, तो भाई वाकई में मेरे को तो इतने अच्छे आए भी ना, क्या बात है भाई। और अच्छी बात पता क्या है भाई, वन लाइनर चला रहा है भाई बंदा, नॉर्मल वन लाइनर है सिर्फ, है भाई मैं तो खड़ा भी ना हो पाऊँ इस पे, आप चला रहे हो यार। और गाइस देखो भाई ले आए इलेक्ट्रिक स्कूटी, कितने के लिए भाई ये वाली है? भाई किराए पे 200 रुपए किराए दिन का। किराए भी मिल जाती है? कहाँ से लेते हो भाई ये? भाई चाणक्य प्लेस में 40 रोड के पास। अच्छा, तो तब से मतलब एक एक महीने के लिए किराए पे ले लेते हो सीधा? भाई सही है, ये बंदा पूरी स्कूटी उड़ा रहा है। हाँ वैसे भी कोई दिक्कत आ गई तो तेरा भाई तो संभाल ही लेगा। क्यों भाई, तेरा भाई तो संभाल ही लेगा दिक्कत आ गई। आओ कट दिखाता हूँ आपको। चलो भाई मारो मारो, यहीं पे मारना स्टंट है। आओ वहाँ पे, आओ बाहर चले। चलो 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 अरे भाई, पहले सामान सेट करेगा गाड़ी का। सामान सेट करेगा क्यों भाई, जरूरी है क्या? भाई ये दुकान नंबर भाई के ठाकुर वाली। ओए होए, भाई ने ठाकुर की नंबर प्लेट लगवाई हुई है। भाई ये देखो ठाकुर की नंबर प्लेट लगवाई हुई है, भाई कह रहा है पहले ठाकुर की नंबर प्लेट दिखाओ भाई। ओए ये क्या लगा रहा है भाई? भाई ये स्टैंड है। भाई ने सारा ताम झाम खोला हुआ है, पागल है बंदे, पूरा ताम झाम खोला हुआ भाई साहब इस बंदे ने, देखो मजा आ गया भाई देख के। हाँ भाई मजा आ गया वाकई में यार, ये क्या सीन है भाई, सारा इसने सारे पार्ट्स अलग अलग कर रखे हैं, और अब चला अब स्टंट मारोगे भाई? हाँ भाई अब लगेंगे स्टंट। चलो भाई देखते हैं, तो भाई से स्टंट मारेगा अभी, देख रहे हो भाई कैसे? हाँ भाई देख लो कैसे मारेगा भाई, पूरा प्लेयर लग रहा है मेरे को, तो प्रो प्लेयर लग रहा है। तो ओ भाई उधर जाके उसने स्कूटी खड़ी कर दी, बैठोगे ना रोड के अंदर, यूं यूं ले जाएगा, रुकेगा नहीं कभी टर्मिनल पे। अच्छा ये रुकता नहीं है? ओ भाई सब फुल तैयारियां बांध रहा है, मैं बंदा है लगता है। ओ भाई आ गया, आ गया, आ गया। और ये ओ भाई भाई आराम से मारियो भाई, वो जोश में नहीं आना। ये तो स्टंट है, पैसा बर्बाद भाई, हमको लगा तड़गड़े मारेगा तो ऐसी घुमा दी, स्कूटी खड़ी कर दी, बैठोगे ना रोड के अंदर, यूं यूं ले जाएगा, रुकेगा नहीं कभी टर्मिनल पे। अच्छा
सो गाइस आ चुके हैं ऊपर वापस और फिलहाल यार मैंने भी अपने कपड़े कर लिए चेंज। रीजन बिहाइंड ये है कि भाई रात को ठंड लगेगी ट्रेन के अंदर। फिलहाल बैग भी मैंने अपने सारे पैक कर लिए भाई। तो गाइस फिलहाल मैंने भी अपने बैग तैयार कर लिए और इसके अंदर मैंने रख लिया अपना कपड़े भी रख लिए, इसके साथ साथ दो ब्लैंकेट भी रख लिए, एक दीपक के लिए और एक मेरे लिए, और इसके अंदर मैंने लैपटॉप का चार्जर और इसके साथ साथ कैमरा किट भी प्रॉपर रख लिया भाई। तो गाइस यार निकलने लगे हैं, फिलहाल ये वाला बैग पहनते हैं भाई साहब, काफी ज्यादा भारी हो जाएगा भाई ये। तो देखो मैंने सारा खिलेरा मचा दिया घर के अंदर, और एक ये हमारा लैपटॉप वाला बैग, मैं सोच रहा हूँ इसको हाथ में ही पकड़ लेता हूँ और इस वाले बैग को पूरा अच्छे से पहन लेता हूँ, और ये जो है ये हाथ में पकड़ लेते हैं इस तरीके से। गाड़ी में ही तो जाना यार, ठीक है ऐसे ही चलते हैं। और गाइस अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, देखो ये रेलवे ट्रैक है भाई, यहाँ पर भाई दाएं बाएं देख के पार करवाइयो दीपू कार्यक्रम यही खत्म मत करवा दियो हमारा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो यहाँ पे कोई ट्रेन आती नहीं ट्रैक के ऊपर, क्योंकि फिर भी भाई आने जाने का रास्ता है। अच्छा आने जाने का रास्ता कहाँ से दिख रहा है? देख रहे हो गाइस ये कह रहा है आने जाने का रास्ता दूर दूर तक, भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई ये रास्ता। तो गाइस यहाँ पर ट्रिप से पहले दीपू भाई ने रेल नीर ले लिया है कि यहाँ से, और साथ में भाई दो आइसक्रीम भी ले लिया है। भाई शौकिया बंदा भाई है, ये बंदा शौकिया भाई साहब, इनकी बात ही अलग है। तो गाइस फाइनली आ चुकी है सामने ट्रेन,